तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स, सॉरी जेआर कॉलेज। ठीक है, तो कैसे बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है बच्चों, आप लोगों के 11th केमिस्ट्री के बैच शुरू हैं, सही है। और ये जो लेसन मैंने अभी स्टार्ट किया है, जो मैं लेसन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बच्चों, इस लेसन का जो लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, वो ऑलरेडी राहुल सर ने स्टार्ट किया हुआ था, सही है। तो जो लेक्चर नंबर 1 है वो राहुल सर ने स्टार्ट किया था, पर उसके बाद राहुल सर ने जैसा कि आपको बताया होगा, उसके बाद जो 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड आ गए थे, जिसकी वजह से ये जो लेक्चर्स थे वो नहीं बना पाए थे, सही है। सो अब केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ जैसा आपको पता है, सही है। सो इस चीज़ को बच्चों मैं यहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा। राहुल सर ने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 आप लोग के लिए बनाया हुआ है, सही है। तो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? आप लोग जाएंगे प्ले लिस्ट सेक्शन में, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट सेक्शन में, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप लोग 11th केमिस्ट्री सर्च कीजिए। 11th केमिस्ट्री का जो सबसे आखिरी वीडियो होगा वो इसका फर्स्ट चैप्टर ही, फर्स्ट लेक्चर ही होगा आपने 12th चैप्टर का, सही है। तो ज़रूर से जाके देख लेना उस लेक्चर को, और उसके बाद बच्चों इस लेक्चर के ऊपर जम करना, सही है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने लेक्चर 1 में देखा है। नहीं देखा है तो जरूर से जाके वापस देखेंगे, राहुल सर ने वहां पर हर एक चीज समझाई थी आप लोग को, ठीक है, कि व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम, सही है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, कैसे रिएक्शंस प्रोसीड कर दी हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, उसके बारे में कई सारी बातें हो चुकी है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में जो कि राहुल सर ने लिया था, सही है। तो मैं आप लोग को थोड़ी बहुत तो बातें हम लोग करेंगे, उसके साथ साथ आज हम लोग बच्चों बहुत सारे रेट की बात करने वाले, ठीक है, कि रेट ऑफ अलग अलग रिएक्शंस कैसे होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, सही है। फिर उसी रेट से बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, सही है। तो इन चीजों को आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है 11th केमिस्ट्री से रिलेटेड, 11th बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप आ सकते हो मेरे इस Instagram ID पे, ठीक है, आप यहाँ पे आके मुझसे मैसेज कर सकते हो, बातें कर सकते हो, जो भी आपको डाउट है वो मेरे तक पहुंचा सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो लेक्चर आज बच्चों हम लोग को पढ़ना है, दैट इज इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है पता है आप लोग को, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है पता है आप लोग को, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे, पर आज हम लोग को मेन समझना है दैट इज इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, सही है। इसको किस रिएक्शन को हम लोग इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, किस रिएक्शन को हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते, उसकी कौन कौन सी कंडीशंस है, उन सारे कंडीशंस को अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लो बच्चों, मान लो एक रिएक्शन है, फॉर एन एग्जाम्पल देर इज अ रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट है ए, जब वो रिएक्ट हो रहा है बी के साथ, ठीक है, मान लो कोई भी एक रिएक्टेंट है जिसका नाम है ए, जब वो रिएक्ट हो रहा है बी के साथ, तो वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है बच्चों आपको सी प्लस डी। सी और डी आपके प्रोडक्ट है, ठीक है, सी और डी क्या है, ये आपके प्रोडक्ट है, और ए और बी आपके क्या है, रिएक्टेंट है। इस रिएक्शन, ये नॉर्मल सी आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड मतलब क्या, आपकी एक डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन है। पर अगर मैं कहूं कि अगर मान लो मैंने कंडीशन रिवर्स कर दी, अगर मान लो मुझे हीट करने पर ये प्रोडक्ट मिल रहा था, तो अगर इस प्रोडक्ट को मैं कोल्ड कर दूं, इस प्रोडक्ट को मैं कोल्ड कर दूं, तो मुझे वापस ये ए और बी मिल जाएगा। वापस मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, आपका ए और बी, सही है। तो आपकी रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में भी फ्लो होगी, मतलब आपका ए और बी मिलकर सी और डी भी बनाएगा। सिमिलरली आपका सी और डी मिलकर बच्चों ए और बी का फॉर्मेशन भी अगेन कर सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज रिएक्शन आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। यहां लिख दूं, रिवर्सिबल रिएक्शन, सही है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, सबसे पहला फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे मान लो आप इन्हें पहला ऊपर वाला कंसीडर किया, तो आपने ये और ये लिया था, ठीक है, आपने ये और ये लिया था, और इन दोनों को जैसे ही आपने मिलाया तो आपको मिला सी और डी। नाउ हियर योर ए एंड बी आर द प्रोडक्ट एंड सी इज डी एंड द सॉरी ए सी और डी क्या है, आपके प्रोडक्ट है, और ए और बी क्या है, आपके रिएक्टेंट है। तो उस कंडीशन में इस ऊपर वाले एरो को आप कहोगे फॉरवर्ड रिएक्शन,
सही है, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, मतलब आपका रिएक्शन इस कंडीशन में, इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, सो दिस इज योर फॉरवर्ड रिएक्शन। बात समझ में आ गई? अब वही आपका प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहा है, वही आपका प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहा है, सो इस रिएक्शन में कह इस रिएक्शन को मैं कहूंगा बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आई बात? तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन। जब किसी भी केस में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही साथ में होते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन को आप रिवर्स करवा दो, बोलते हैं ना जैसे गाड़ी में रिवर्स गियर लगता है ना, अभी हम लोग आगे आए फिर रिवर्स गियर लगा के पीछे जा रहे हैं, मतलब जहां से हम लोग आए वहीं हम लोग जा रहे हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम लोग ए और बी से सी और डी बनाए, फिर सी और डी से वापस आप ए और बी बनाओगे, तो ऐसे रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहोगे ना। यहां पर इक्विलिब्रियम क्या आया, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से सुनो। अगर आप आगे चलकर फ्यूचर में, मैं ऐसा आशा करता हूं बच्चों, फ्यूचर में आप आगे चल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हो, ठीक है, और साइंटिस्ट बनने के बाद या फिर साइंटिस्ट बनते समय भी आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, कई सारे आप प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हो, अलग अलग चीजें मिलाकर कोई नई चीज बना रहे हो, कुछ ना कुछ आप बनाते रहोगे ना, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आप करते रहोगे। तो दैट ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ रिएक्शन, उस कोर्स ऑफ रिएक्शन के समय बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होता, ज्यादातर ये देखा गया है कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको 100% प्रोडक्ट मिले। जितना आपने रिएक्टेंट लिया था उतना ही आपको प्रोडक्ट मिले, उसका जो परसेंटेज यील्ड आएगा ना वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं आएगा, आपको थोड़ा कम ही मिलेगा उस रिल से। तो इसका मतलब वो आधा परसेंटेज गया कहाँ? अगर आपको पूरा कंप्लीट परसेंटेज नहीं मिल रहा तो मतलब देर इज अ सर्टन पॉइंट ना जहां पे आपकी रिएक्शन स्टॉप हो गई और जहां से आपका प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, अब 100 मॉलिक्यूल का 100 मॉलिक्यूल आपने रिएक्टेंट लिए, तो 100 का 100 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट बनेंगे और बाकी के मॉलिक्यूल आपके प्रोडक्ट नहीं नहीं बनेंगे, वो किसी दूसरे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे या फिर कुछ भी हो सकता है गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जब भी आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, जब भी आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, तो किसी एक टाइम पर किसी एक रेट पर फिक्स चीज है कि आपका रिएक्शन प्रोसीड होना बंद हो जाएगा, आपका रिएक्शन प्रोसीड होना बंद हो जाएगा। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि उस रिएक्शन से वापस आप उस वहां जो प्रोडक्ट बना है ना उस प्रोडक्ट से वापस आपका क्या बनने लगे, रिएक्टेंट बनने लगे, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी होती है। समझ रहे हो? तो इसीलिए कभी भी आपका प्रोडक्ट 100% यील्ड के साथ नहीं मिलता आप लोग को जब आप लैब आगे चल के परफॉर्म करोगे। अभी तो आप लोग ने नहीं परफॉर्म किया होगा कुछ, ठीक है, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, पर आगे चल के अगर आप मास्टर्स करते हो या बैचलर्स करते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे और ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लोग को बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म करने पड़ेंगे और उस प्रोडक्ट के अंदर आपको यील्ड निकालनी पड़ेगी कि आखिरकार आपको कितना परसेंटेज यील्ड मिला है, कितना आपको प्रोडक्ट मिला है। समझ रहे हो? तो उस टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या 100% यील्ड मिला है, नहीं, ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में आपको कभी भी 100% यील्ड नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। नाउ एक चीज हम लोगों को समझना है कि भैया बैकवर्ड रिएक्शन समझ में आ गया, फॉरवर्ड रिएक्शन समझ में आ गया, ठीक है, यील्ड 100% नहीं बनता ये समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि किसी एक कॉन्सेंट्रेशन पे जाके प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। सही है? तो मतलब कोई ऐसा टाइम होगा बच्चों रिएक्शन का, कोई ऐसा टाइम होगा जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सेम हो जाए। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, रिएक्टेंट भी उतना ही है प्रोडक्ट भी उतना ही है, तो भैया जो रिएक्शन है वो प्रोसीड ही नहीं होगी ना, इसीलिए तो आपकी रिएक्शन बंद हो गई है ना। तो कोई ऐसा जरूर कंडीशन होगा बच्चों, कोई ऐसी कंडीशन जरूर होगी जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बिकम सेम टू दी किससे किससे सेम हो जाएगी बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ रहे हो? तो मतलब जितना रिएक्टेंट बना है आपके सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितना प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया और इसी इक्वल को केमिस्ट्री में हम लोग इक्विलिब्रियम कह देते हैं। समझ रहे हो? इसी इक्वल को, इक्वल इसका सिनोनिम ही समझो, समानार्थी शब्द समझो, तो इसी इक्वल को हम लोग इक्विलिब्रियम कह देते हैं। तो जब आपकी रिएक्शन में
जब आपके रिएक्शन के अंदर आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों ही दोनों सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे? उस कंडीशन में बच्चों आपको आप कहोगे कि हमारा रिएक्शन किस में चला गया है? इक्विलिब्रियम में चला गया है। और जब भी आप कुछ ऐसा सिंबल दिखाओगे, रिवर्सिबल का सिंबल दिखाओगे, तो यहां पर आपके रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाते हैं। तो ये आपके रिएक्शन यहां पर इक्विलिब्रियम में ज्यादा टाइम जाते ही जाते हैं, बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही वापस रिएक्टेंट बन जा रहा है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही वापस रिएक्टेंट बन जा रहा है। रिएक्शन होती रहेगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। कब? जब आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होगा जितना आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन सेम हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो गई, तो उस टाइम पे मैं क्या कहूंगा कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। सही है? तो इस लाइन से मैं एक और चीज लिख सकता हूं, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है बच्चों, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सो आई कैन राइट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये भी लिख सकता हूं ना, मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, द रेट, या फिर छोड़ो नहीं लिख लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपकी बैकवर्ड रिएक्शन रुक गई? नहीं। कि आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन रुक गई? नहीं। इसका मतलब यह है बच्चों कि जिस रेट से आपका ए और बी रिएक्ट होकर सी और डी बन रहे, रेट समझते हो ना, समय, रेट मतलब क्या, समय, जितने रेट से, जितनी रेट मतलब स्पीड भी आप कह सकते हो, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही आपका रेट होता है। तो जितने स्पीड से, जितने रेट से आपका ए और बी मिलकर क्या बन रहे हैं, सी और डी, उतने ही स्पीड से, सेम स्पीड से आपका सी और डी वापस क्या बना रहे हैं बच्चों, ए और बी बना रहे हैं। वापस क्या बना रहे हैं वो? ए और बी बना रहे हैं। तो आई कैन से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, दोनों क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? ठीक है, इसी कंडीशन को वी कॉल इट एज अ इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आई होप आप लोग को ये स्टेटमेंट समझ में आ गई हो। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला, कोई भी एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली है, तो ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ रिएक्शन आपका कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। ये भी आप लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन सेम हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। समझ रहे हो? तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है? सेम हो चुका है, उनका कॉन्सेंट्रेशन अब चेंज नहीं होने वाला। और तो और आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वही सेम हो जाएगा बच्चों, एज इट इज हो जाएगा, किससे? आपके बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से। सो ऐसी कंडीशन जहां पे भी क्रिएट हुई है, ऐसी कंडीशन जिस भी कंडीशन में क्रिएट हुई है, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? तो समझ में आ गया इक्विलिब्रियम क्या होता है? समझ में आ गया? जहां पर आपके इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन स्टेबल हो चुका है, सेम हो चुका है, और जहां पर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए? सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इट इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ गई बात? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते। ले लिया? चलो आगे बढ़ते। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझते आ जाओ, एक एग्जाम्पल समझते हैं। आपकी बुक में क्या लिखा है, सुनो ध्यान से। आपकी बुक कह रही है N2O4 करके एक रिएक्शन है, ठीक है, N2O4 करके एक रिएक्शन है, जब ये रिएक्ट होगा, ठीक है, जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा बच्चों, तो ये बनाता है NO2। कितने मोल्स बनाता है? 2 मोल्स, क्योंकि हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है। और सिमिलरली आपका NO2 भी रिएक्ट होकर वापस N2O बना सकता है। समझ रहे हो? तो दोनों के पास कैपेसिटी है कि इससे आपका ये भी फॉर्म हो सकता है NO2, और NO2 से वापस आपका क्या फॉर्म हो सकता है बच्चों? N2O4 फॉर्म हो सकता है। नाउ अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, मतलब केमिस्ट्री ध्यान से देखोगे, इन केमिकल्स को ध्यान से देखोगे, तो ये होते हैं बच्चों आपके कलरलेस, ठीक है, पर ये होती है बच्चों ब्राउन कलर की गैस, ब्राउन ही है ना,
ब्राउन ही है, रेडिश ब्राउन है, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर की गैस होती है। तो क्या बोला इसने, इसने क्या बोला कि जैसे ही आपने ये लिया, अपना रिएक्टेंट लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिएक्टेंट, तो धीरे 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 आपको ब्राउन कलर दिखना शुरू हो जाएगा और ब्राउन कलर की कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 बढ़ती रहेगी, धीरे 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 ब्राउन कलर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। फिर एक टाइम आएगा जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम ज्यादा बढ़ जाएगी, सही है। फिर क्या होगा, जब ये आपका NO2 बन जाएगा, मतलब NO2 आपका फॉर्म हो गया, ये NO2 वापस बैकवर्ड रिएक्शन करेगा और वापस किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, N2O4 का फॉर्मेशन करेगा, सही है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ समय बाद जो ब्राउन कलर की गैस बन रही थी वो बनना बंद हो गई, ठीक है। जो ब्राउन कलर की गैस बन रही थी वो बनना क्या हो गई, बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अब इस कंडीशन पे दोनों का ही जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो चुका है, चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज दे बोथ आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। दोनों किस कंडीशन में आ चुके हैं, दोनों, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम से दिखाएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया कि भैया सबसे पहले हम लोग ने ये लिया, तो धीरे 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 ब्राउन कलर की गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, ज्यादा ज्यादा आपको ब्राउन कलर दिखने लगा, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो जाएगा बनना, उस समय बाद इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर वापस क्या हो सकता है, इससे ये भी बन रहा होगा तो कलरलेस गैस भी होगी उसके अंदर, ब्राउन कलर की गैस भी होगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर कलरलेस गैस और इसका गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ना या कम होना क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, उस कंडीशन को ही इक्विलिब्रियम कहूंगा। और वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 will remain same, ठीक है। फिर ये क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे, फिर ये चेंज नहीं होंगे, इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इनका जो भी कॉन्सेंट्रेशन बना है वो कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज सेम रहेगा। और इस कंडीशन में जब आपका और कोई कलर फॉर्म नहीं होगा, कलर फॉर्म का जो कलर फॉर्मेशन है वो बंद हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो उस टाइम पे कम नहीं मतलब स्टेबल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, उस कंडीशन में बच्चों आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हुई होगी, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लें, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, एक और एग्जांपल लेते, अच्छा एक और एग्जांपल लेते बच्चों। हमारे पास है बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड, हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड। जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड का ब्रेक कर रहे हो, हाइड्रोजन आयोडाइड का ब्रेक कर रहे हो, तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन और आपको मिलेगा आयोडाइड, आयोडीन H2I2। अब ये दो दो है तो इसको भी आपको दो में लेना पड़ेगा क्योंकि आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। तो आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड है बच्चों, ये होता है कलरलेस, सेम वही चीज बताना चाहता हूँ, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, हाइड्रोजन की कोई कलर नहीं होती। पर आपका जो आयोडीन है ना, ये भी होता है बच्चों पर्पल कलर का होता है, आपका जो आयोडीन है वो एकदम डार्क पर्पल होता है, लेट मी चेक, वॉयलेट लिखा हुआ, वही वॉयलेट पर्पल एक ही बात, मतलब एक ही बात नहीं है वैसे तो, चलो कोई नहीं। पर मैंने जितना आयोडीन देखा है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किए ना आयोडीन के ऊपर, तो मैंने जितना आयोडीन देखा है वो डार्किश पर्पल होता है, वही वॉयलेट कलर ही समझ। अब इसने क्या कहा कि जब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, जब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, शुरू शुरू में जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, आपने HI लिया था और यहां से क्या हो रहा है, H2 बन रहा है और I2 बन रहा है। सो I2 कौन से कलर का है, वॉयलेट कलर का है, तो आपका वॉयलेट कलर का कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 बढ़ने लगेगा जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया। पर एक टाइम आएगा बच्चों जब आपका I2 का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, जब आपके आयोडीन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो मतलब अब आपका और वॉयलेट कलर नहीं बढ़ रहा। तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि भैया इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी सेम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी सेम। साथ ही साथ में ये दोनों मिलकर वापस I2 बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर वापस I2 बना सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ कलरलेस गैस भी हो सकती है जो क्या है बच्चों आपकी I2 है।
तो जब एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इसका फॉर्मेशन भी बंद हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन भी बंद हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रहा, सही है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई एंड आई टू विल नॉट चेंज। उसके बाद बच्चों इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये किस कंडीशन में आ चुके हैं? ये आ चुके हैं बच्चों इक्विलिब्रियम में, सही है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं तो मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों आपके रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। समझ में आ गया? ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, नहीं सीखा है तो जाओ लेक्चर वन में सीखो, राहुल सर ने पढ़ाया है आप लोग को, ठीक है। सो लेक्चर वन में जाओ, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, पहले उन चीजों को सीखो, बाद में ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है बच्चों आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुनो, टॉपिक को पढ़ो तब आपको चीजें ध्यान से समझ में आएंगी। अब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की, और नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में रेट क्या होगा उसकी ही बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी की हम लोग बात करेंगे, ज्यादा कुछ हम लोग इगड़म बुगड़म नहीं कर रहे। क्या बोल रही है आपकी बुक? आपकी बुक क्या कह रही है? लेट सपोज कंसिडर अ रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन को क्या करना है आपको कंसिडर करना है। कंसिडर जब आपने ए लिया और आपने बी लिया, इन दोनों को जैसे ही आपने रिएक्ट करवाया तो आपको मिला सी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने ए लिया बी लिया और जब आपने इसको रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिला? सी। नाउ इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन आपके ये जो साइड है ये है आपकी रिएक्टेंट की साइड, ये है क्या है बच्चों आपकी रिएक्टेंट की साइड, और ये जो साइड है ये क्या है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है, सही है। सो दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ आपने पढ़ा है कि जब आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो इनिशियली, इनिशियली जब आपने केमिकल रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया, मान लो आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाना चाहा है पर अभी तक आपने वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी? आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, और आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा क्या? नहीं, आपकी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने रिएक्शन चालू ही नहीं की ना, तो अगर रिएक्शन चालू ही नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, सही है। तो ड्यूरिंग इनिशियल, इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम में क्या होगा बच्चों, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी? आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे रिएक्शन आपका प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे रिएक्शन आपका प्रोसीड करेगा बच्चों, ठीक है, जैसे जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे वैसे आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहेगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। मैंने क्या बोला समझा? मैंने क्या बोला बच्चों, मान लो इसका इतना रिएक्टेंट है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सही है। तो जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड हुई, जैसे रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही थी तो आपका रिएक्टेंट ज्यादा था, प्रोडक्ट बना ही नहीं था, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं थी, तो शुरू शुरू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, पर जैसे जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रही है। देखो उसकी कॉन्सेंट पहले ज्यादा था, फिर धीरे धीरे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है बच्चों, कम होते जा रही है, और साथ ही साथ में आपका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है बच्चों, बढ़ते जा रही है, समझ लो। तो कुछ इस चीज से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब इनिशियल टाइम पे जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया था तो उस कंडीशन में आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, आपका जो रिएक्शन है रिएक्टेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं था तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम थी। पर जैसे जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड हुआ, जैसे जैसे आपने रिएक्शन क्या किया, बढ़ाना चालू किया, रिएक्शन को प्रोसीड करना चालू किया, उस कंडीशन में आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता गया, धीरे धीरे कम होता गया, होता गया, होता गया, और आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया, समझ रहे हो। तो जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी,
जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो रिएक्शन कंप्लीट होते समय आपका रिएक्टेंट बहुत ही कम रहेगा और आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, आपका रिएक्टेंट बहुत ही कम रहेगा और आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा फॉर्म होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, देखो देखो ध्यान से सुनो, वही सेम रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। जब आपका ए और बी मिला के क्या बन रहे हैं, सी बन रहे हैं, वही सेम चीज लिख रहा हूं। अब यहां पर अगर मैं रेट की बात करूं, अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट किस पे डिपेंड रहता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, कितना कॉन्सेंट्रेशन है और वो कितने टाइम में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसी चीज को मैं क्या कहूंगा, रेट कहूंगा। सही है, तो यहां से रेट की दो चीजें बन सकती है। हम लोग क्या करेंगे, उसको डेरिवेट करेंगे ना। तो डेरिवेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबसे पहले रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, धीरे 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 आपका टाइम बढ़ रहा है ना। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट की ही बात करें तो प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसा आपका रिएक्शन बनता है, ऐसा आपका रिएक्शन बनता है बच्चों रेट का, रिएक्शन नहीं, ऐसा आपका स्टेटमेंट बनता है आपके रेट का। अब एक बात आपको ध्यान देने वाली है, आप लोग देखो, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, जो आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो आपका रिएक्टेंट है की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, आपका रिएक्टेंट कम हो रहा है, एंड जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सही है, तो भैया जो इंक्रीज हो रहा है उसको तो ऐसे ही छोड़ दो, जो डिक्रीज हो रहा है, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो इस कंडीशन पे आप यहां पे क्या लगाओगे, माइनस। ठीक है, आप यहां पे क्या लगाओगे बच्चों, माइनस लगाओगे। सो माइनस, ठीक है, माइनस डी बाय कॉन्सेंट्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय आपका डी टी। क्यों हम लोग ने माइनस लगाया पता चला, नेगेटिव साइन, आपका ये जो नेगेटिव साइन है क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग ने क्या लगाया यहाँ पे, नेगेटिव साइन। यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लगा सकते हो क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि दिखता नहीं है ना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, दिखता नहीं है, उसको तो हम लोग दिखाते नहीं है। सही है, सो बच्चों ये बनती है आपकी रेट, आपके केमिकल रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे ऐसे हम लोग रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे आपकी रेट बनती है। सही है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अब हम लोग ग्राफ सीखेंगे भैया, अब हम लोग ग्राफ सीखेंगे। ठीक है, ग्राफ देखते क्या सीन है, ग्राफ के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो वही एग्जाम्पल, N2O4 एक NO2 2। सही है, तो ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट। क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे रिएक्टेंट, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता रहेगा और आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, एक सीधी लाइन यहाँ, एक सीधी लाइन यहाँ, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस। क्लियर है, क्लियर है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, बात समझ में आ रही है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट की, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है बच्चों N2O4, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन का चार्ट है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ है, तो पहले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, पहले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा। सही है, ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, रुको
पहले ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन और आपकी क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, वही ये आपका रिएक्टेंट था। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है ना प्रोडक्ट में, तो आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं थी, मान लो जीरो भी हो सकता है, पर जीरो हम लोग लेते नहीं, मान लो थोड़ा सा है, ठीक है, पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, अब आप ध्यान से सुनो, अब आप ध्यान से देखो, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ना या घटना बंद हो गया। देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी अब सीधी चली गई है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी अब सीधी चली गई है। ध्यान से देख रहे हो, इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दोनों की अलग है, मैं मानता हूं दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां पे है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ यहां पे है, सही है? तो आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, मानता हूं, पर इस टाइम के बाद आप कितना भी रिएक्शन को प्रोसीड करो, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यही मैंने आपको बताया ना कि कॉन्सेंट्रेशन में अब चेंज आना बंद हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रहे, मतलब जितने स्पीड से ये रिएक्शन हो रहा है उतने ही स्पीड से ये रिएक्शन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, ये वाला जो टाइम है ना, ये इक्विलिब्रियम का टाइम है। ये कौन सा समय है? ये इक्विलिब्रियम का। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों, यहां पे हमारी इक्विलिब्रियम हो गई है अचीव, यहां पे हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा चुका है। यहां तक कुछ नहीं था, यहां तक देखो इसका रेट कितना तेज बढ़ रहा था, इसका रेट कितना तेज कम हो रहा था। ध्यान से देख रहा है ना, इसका रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ये फटाफट प्रोडक्ट बन रहा था, इसका रेट बहुत तेजी से घट रहा था और यहां पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कम हो रहा था। पर एक टाइम ऐसा आया जहां पर दोनों का जो रेट है वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, वो अब बढ़ घट नहीं रहा। मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन अब इन दोनों का इस टाइम पे बना हुआ है, इतना ही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, इसके अंदर अब कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है। समझ में आई बात? तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अब चेंज नहीं होने वाला, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सेम हो गया, सही है? सो आप कह सकते हो आपकी रिएक्शन इस कंडीशन पे, जहां पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया है, वहां पे आपने क्या अचीव कर ली है, इक्विलिब्रियम अचीव कर ली। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? आई होप आप लोग को इतनी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं वो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स मूव, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपको 12th स्टैंडर्ड में भी हेल्प करेगा, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में आ रहे हो, ठीक है, वैसे तो आओगे यार, ठीक है, तो वहां पे आप लेसन पढ़ोगे सॉल्यूशंस, ठीक है, वहां पे आप लेसन पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां पे आप लोग को लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ज्यादा लगने वाला है, ठीक है, थर्मोडाइनेमिक्स में भी, थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर भी है। तो इन चीजों को अभी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको फ्यूचर में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, सही है? यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को अपन बाद में देखेंगे, जैसा मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ पहले, तो अब तुम लोग को पता है ना मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो इस स्टेटमेंट को अपन बाद में देखेंगे, पहले हम लोग खुद समझते हैं कि आखिरकार लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे। चलो आ जाओ। तो कंसिडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसिडर करो, कंसिडर अ रिएक्शन ए प्लस बी रिवर्सिबल है, सी प्लस डी, ठीक है, नॉर्मल सा रिएक्शन मैंने कंसिडर किया है, आपका ए प्लस बी है और वो क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है, नॉर्मल सा रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा, या फिर एक काम करो इसको रहने दो, नॉर्मल रिएक्शन लो, पहले हम लोग नॉर्मल से शुरू करते हैं, उसके बाद थोड़ा हार्ड की तरफ जाएंगे। पहले ए प्लस बी लो और इसको लो सी, नॉर्मल लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, चलेगा? आ जाओ। इस कंडीशन में इसकी रेट क्या होगी, लॉ है, देखो अभी हमको पढ़ना है लॉ, ये लॉ किसी ने बनाया हुआ है, सही है, तो उस लॉ को हम लोग ऐसे फॉलो करते थे, जैसे मान लो न्यूटन्स के लॉ है, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ, अब उसके पीछे हम लोग तुक थोड़ी लगाते हैं कि भैया ग्रेविटेशनल लॉ है तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे, ये ऐसे आया वैसे आया, नहीं, अंकल ने बोला है करने का मतलब करने का, ठीक है, समझ रहे हो? तो मतलब ये उन्होंने डिराइव किया हुआ होगा, जब आगे आप चाहोगे तो आगे आपको बहुत सारे डेरिवेशन मिलेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, अगर आपको कोई ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको कोई भी नॉर्मल सा रिएक्शन दिया हुआ है और आपको उसका रेट फाइंड करना है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है बच्चों
किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है बच्चों वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को। अब यहां इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सा है, इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट है, देखो ये आपके रिएक्टेंट है, दिस इज द रिएक्टेंट, और ये है आपका प्रोडक्ट। सही है, ये है आपका प्रोडक्ट और ये है आपका रिएक्टेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो इन दिस कंडीशन आपका रिएक्टेंट क्या है, ए और बी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो रेट है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा है तो मतलब मैं उसके कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं। मान लो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है तो मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं। इसको मैं रीड कैसे करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, डॉट लगा देता हूं, मतलब मल्टीप्लीकेशन। सही है, इस मल्टीप्लीकेशन को आपकी लाइन में जो आपकी स्टेटमेंट दी है ना उसके अंदर प्रोडक्ट बोला गया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब, इस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हम लोग, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन की बात, क्या प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का मल्टीप्लीकेशन, जो भी रिएक्टेंट आपके आए हैं उनका, उनके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। हम लोग इस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, इसको भूल जाओ। सही है, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमको यही कहता है कि जो भी आपका केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में जो आपका रेट है ना बच्चों वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन या जितने भी रिएक्टेंट है उनके कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, रेट को। समझ में आई बात? एक और चीज कहता है वो लॉ, क्या कहता है, अगर मान लो यहां पे कोई नंबर प्रेजेंट है, अगर मान लो यहां पे कोई नंबर प्रेजेंट है, मान लो यहां पे 2 प्रेजेंट है, ये अलग कलर नहीं सिलेक्ट होता है सुनो, अगर मान लो यहां पे 2 प्रेजेंट है, यहां पे 3 प्रेजेंट है, तो जो भी नंबर यहां पे प्रेजेंट होगा, इन नंबर को हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, नाम सुना नहीं होगा शायद आपने, स्टोइकियोमेट्री कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, स्टोइकियोमेट्री चलेगा, 11th 12th तक चलेगा, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर लो, पर इसका स्पेलिंग मत गलत करना। ठीक है, स्पेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम लिखनी पड़ती है ना, तो उसके स्पेलिंग क्या है ये आप लोग देख लो। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन में जो आगे नंबर लगे हुए ना, दैट इज द स्टोइकियोमेट्री। तो जो भी नंबर होंगे उसको आपको पावर लगा देना, जैसे मान लो 2 के आगे कौन सा नंबर लगा हुआ है, सॉरी A के आगे कौन सा नंबर लगा हुआ है 2, तो आपको इस कॉन्सेंट्रेशन में 2 का पावर लगा देना है। सिमिलरली B के आगे कौन सा नंबर दिया हुआ है 3, तो इसमें आपको क्या पावर लगाना है, 3 पावर लगाना है। ये भी आपका लॉ ऑफ मास एक्शन ही बताता है। ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन भी बताता है कि जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी आपके रिएक्शन की वो पावर के हिस्से में चले जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के हिस्से में चली जाएगी। समझ में आएगी बात? तो यही है बच्चों आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। सही है, अब थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ो, अब आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो मैंने अभी बोला द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी आपका रेट है किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, टू द कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वही मैंने बोला ना, यहां पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। यहां पे वो रिएक्शन के प्रोडक्ट को मत दिमाग में लाना, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट मतलब जो भी रिएक्टेंट होगा, जो भी रिएक्टेंट होगा उनके कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो टू क्या लिखा है यहाँ पे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतना आपको पावर में रेज टू लगाना है, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतने आपको पावर में रेज टू लगाना है, और वही बनेगा बच्चों आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, यही कहलाता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे बनता है कुछ इस तरीके का लॉ ऑफ मास एक्शन। स्क्रीनशॉट लो, आपको एक और दो चीजें समझाता हूँ। ले लिया, कभी ले लो, ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। एक और चीज सुनो,
अब आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में बच्चों कि जब भी, ठीक है, जब भी मान लो इस पहले हटा दो, टू को हटा दो, थ्री को हटा दो, नीचे हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी टू को हटा दो, ठीक है। सुनो, आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आप क्या लगाते हो, एक तो इज इक्वल टू लगाते हो और एक लगाते हो आपके, ठीक है, यानी कि आपका कांस्टेंट होता है। तो यहां से रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपका रेट इज इक्वल टू, यहां पे आप क्या लगाओगे, के लगाओगे। के मतलब क्या है, आपका कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट बताता हूं, बाकी चीजें सेम हो जाएंगी, बाकी चीजें सेम हो जाएंगी, ठीक है। सो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, इसमें जो आपका रेट है बच्चों वो किसके इक्वल है, कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट को, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट को, सही है। अब यहाँ पे जो के है ना बच्चों, के ये जो के दिया हुआ है, दिस इज एन कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉन्स्टेंट को हम लोग कहते हैं रेट कॉन्स्टेंट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द रेट कॉन्स्टेंट। समझ में आई बात, ठीक है। इस के को हम लोग कहते हैं रेट कॉन्स्टेंट। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। और ये जो इक्वेशन अभी हम लोग ने बनाई है, दिस इक्वेशन इज नोन एज रेट इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन, बिकॉज ये रेट की इक्वेशन है, तो रेट इक्वेशन। ये कांस्टेंट रेट का है तो रेट कांस्टेंट, सिंपल है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और चीज हम लोग सीख, एक और एग्जांपल लेते हैं, हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। सुनो, सपोज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल इज गोइंग टू गिव डब्ल्यू सी प्लस जेड डी। मान लो ये कोई एग्जाम्पल है जिसमें आपका जो एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई क्या है, स्टोइकियोमेट्री, कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो बता रहे हैं। तो इसका रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग ने पढ़ा क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अभी हम लोग ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहना है हम लोग को, जो आपका रेट होता है बच्चों, द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, आपका जो भी पावर रहेगा, जितने मॉलिक्यूल रहेंगे उतना आपको पावर लगा देना रेस्ट में, क्या हो जाएगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रिएक्टेंट है, एक आपका ए है एक आपका बी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है, एक्स, तो ए के ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, एक्स। सिमिलरली मल्टीप्लाई करना है इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी से, और बी के ऊपर पावर क्या लगाना है आपको, वाई। समझ में आ गया बात, तो ये चीज समझ में आ गई, लिखने आ गया। अब यहां पे क्या है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ए इज टू एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज टू वाई, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये के क्या है बच्चों आपका, रेट कांस्टेंट, सही है। और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज रेट इक्वेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है, दिस इक्वेशन इज द रेट इक्वेशन। आई होप बच्चों आप लोग को ये लिखना आ जाए, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आ जाओ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आपकी बुक में एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहाँ गया, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि रेट कैसे लिखना है। क्या दिया हुआ है, राइट द रेट इक्वेशन, राइट द रेट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रेट इक्वेशन मैंने अभी आप लोगों से कहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट इक्वेशन, कहाँ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेट इक्वेशन की। तो बच्चों आपको ये रेट इक्वेशन बनाना है अलग अलग रिएक्शन के लिए जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग रिएक्शन जो आपको, दो रिएक्शन दिए हुए, इन दोनों का आपको रेट इक्वेशन बनाना। तो आ जाओ देखते हैं, सबसे पहले वाला लेते हैं, सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, ठीक है, सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बर्निंग हो रही है, कंबशन रिएक्शन, सिंपल है। क्या होगा रेट, रेट क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही बात है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, रिएक्टेंट क्या है, ये रिएक्टेंट है कि ये रिएक्टेंट है, पता है ना आप लोगों को, हमेशा लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट होता है राइट साइड वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको दो रिएक्टेंट देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इन रिएक्टेंट का आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इनके आगे कोई नंबर लगा हुआ है क्या, नहीं, तो मतलब आप इस टू में कोई नंबर नहीं लगाओगे, सिंपली इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओ और रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। सो ये है बच्चों आपका नॉर्मल सा रेट इक्वेशन, आपके इस इक्वेशन पहले केमिकल रिएक्शन की, इस केमिकल रिएक्शन की, सही है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके लिए बात करते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा आपका केमिकल रिएक्शन, दैट इज योर 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2, सही है। ये है आपका नॉर्मल सा रिएक्शन। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पे ये है आपका, यार चेंज क्यों नहीं होता यार, बहुत गुस्सा आता है मेरे, यहां पे ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट, सही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है फॉर्मूला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों आपका, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है। तो आपका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, कौन सा रिएक्टेंट है आपका, ये है ना, दैट इज के ClO3। और अब आप देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो आप ऊपर क्या लगाओगे, टू, ऊपर क्या लगाओगे बच्चों, टू। बस क्या करना है आपको, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, तो रेट इज इक्वल टू के ClO3 और यहाँ पे क्या लगा, दो, आपका आपका दो हो गया, सही है। सो दिस इज द जनरल रेट इक्वेशन, ये है बच्चों आपका रेट इक्वेशन, समझ में आ गया रेट इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। सो आई होप बच्चों जितनी भी चीजें मैंने अभी आप लोगों को सिखाई है, अभी आप लोगों को समझाई है, वो समझ में आई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलग अलग डेरिवेशन देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, सही है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। सो इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक जरूर से फैलाएं, ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक नई वीडियो में, एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप, ठीक है, बाय बाय।